नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं अदरक के अनोखे फायदों के बारे में। अदरक एक उपयोगी औषधि है। अदरक औषधीय गुणों से भरपूर होती है। अदरक का हम एक मसाला के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं सदियों से। अदरक सेहत के लिए वरदान से कम नहीं होती है दोस्तों। अदरक में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आयोडीन, विटामिन, कैल्शियम, क्लोरीन इत्यादि। इसके अलावा अदरक में एक शक्तिशाली गुण है, वो ये है कि अदरक एक बेहतरीन एंटीवायरल है। अदरक को आप हर प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप ताज़ा और सूखा दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं। हर भारतीय के किचन में अदरक जरूर मिलता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के लोग अदरक का प्रयोग करते हैं, अदरक के गुण से परिचित हैं। अदरक का इतिहास भारत में लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यूं कहें कि अदरक अनेक गुणों की खान है और आप इनका विभिन्न तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का आयुर्वेद में बड़ा ही महत्व है। हर तरह से इन्फेक्शन को कम करने में उपयोग किया जाता है। अदरक विभिन्न तरह की बीमारियों से हमें बचाती है, जैसे कि जुकाम, सर्दी, कफ, खांसी, दमा इत्यादि। विस्तार से हम आपको आगे बता रहे हैं कि किस बीमारी को कैसे खत्म करता है अदरक। अदरक का स्वाद तीखा होता है। अदरक सूखी हो तो इसकी तासीर गर्म होती है। अदरक अगर गीली हो तो इसकी तासीर ठंडी होती है। अदरक को बलवर्धक भी कहा जाता है। अदरक का उपयोग पेट के रोगों में भी किया जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि एक ताज़ा अदरक जिसमें कि लगभग पानी 81% पाई जाती है, 2.5% रेशे होते हैं उसमें, 1% वसा, कार्बोहाइड्रेट 13% पाई जाती है। अदरक हर प्रकार से गुणकारी है। अदरक का सेवन करने से अर्थराइटिस, साइटिका, गठिया और रीढ़ की हड्डी का रोग दूर किया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि किन रोगों को कैसे आप दूर कर सकते हैं। अदरक कैंसर से लड़ने में मदद करती है, इसीलिए अदरक का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। अदरक एक प्रकार का दर्द निवारक भी है। अदरक में दर्द को मिटाने का गुण है। ताज़ा अदरक लें और उसे पीस लें और थोड़ा सा कपूर इसमें मिला लें। जो लेप तैयार होगा उसे आप दर्द वाले जगह पर लगाएं। अगर आपको सूजन है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको दर्द से छुटकारा मिलेगा। अदरक कोलेस्ट्रॉल में भी फायदेमंद है। अदरक को कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन नियमित रहता है। अदरक आपके सर्दी और जुकाम को भी ठीक करता है। आप अदरक का रस निकालें और उसमें शहद मिलाकर थोड़ा गर्म करके पिएं, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं, इससे भी आपको वही फायदा मिलता है। अदरक आपके हाजमे के लिए फायदेमंद है। अदरक पेट की समस्या को दूर करता है। अदरक के रस के साथ नींबू का रस भी आप मिला सकते हैं, फिर उसमें सेंधा नमक और अजवाइन मिलाइए और उसे खाइए, इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। अदरक से गैस की समस्या भी दूर होती है। इसका सेवन करने से आपकी कब्ज की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अदरक आपके बालों के लिए भी फायदेमंद होती है। आप अदरक का जूस नियमित पीजिए और अदरक के शुद्ध रस को अपने सिर में लगाइए। अदरक के कुछ एक अनोखे फायदे भी होते हैं। अदरक आपकी स्किन को निखारता है। सुबह सुबह आप एक गिलास गुनगुने पानी के साथ एक छोटी सी टुकड़ी अदरक की खाएं, आपकी स्किन भी चमकदार होगी और आप जवां दिखेंगे। जिन्हें भूख नहीं लगने की बीमारी है वो अदरक का सेवन रोजाना करें, इससे आपकी भूख बढ़ेगी। अगर आपको हिचकी की बीमारी है तो आप अदरक का एक छोटा टुकड़ा मुँह में रखकर चूसें, आपको लाभ होगा। अगर आपके मुँह से बदबू आती है तो अदरक उसको भी दूर करता है। उसका अगर रस निकालकर एक चम्मच और उसे एक गिलास पानी में डालकर आप कुल्ला करते हैं तो अदरक कान दर्द को भी ठीक करता है। अदरक का रस छान लें और उसे गुनगुना करके कान में 3 बूंद डालें, आपको फायदा होगा। अदरक शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, उसके साथ ही शरीर को चुस्त और स्वस्थ बनाता है। अदरक का रस या सौंठ का पाउडर उबलते हुए पानी में मिला लें, फिर उसमें शहद और थोड़ी सी नमक मिला लें, आप इसका सेवन करें, आपको फायदा मिलेगा। हाथ और पैर सुन्न होने पर भी अदरक का उपयोग आप कर सकते हैं। आप सौंठ, गुड़, घी और उड़द की दाल मिलाकर पीस लें
और उसका लड्डू बना लें। प्रतिदिन सेवन करें, आपको फायदा होगा। अदरक महिलाओं के मासिक धर्म के अनियमितता को भी दूर कर देता है। अदरक का अत्यधिक सेवन करना नुकसानदेह होता है, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी अत्यधिक सेवन अदरक का ना करें, वरना फायदे की जगह आपको लॉस हो सकता है दोस्तों। तो आप सभी ने देखा दोस्तों कि अदरक आपके लिए किस प्रकार से लाभकारी साबित होता है। ठीक ऐसे ही अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।